नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। मेरे पीछे जिसको आप देख रहे हैं, ये अनिल बंसल है। वार्ड नंबर ये 9 है आंसी का, और ये पार्षद पिछले 10 साल से चलते आ रहे हैं। इनकी पत्नी इस बार थी, इससे पहले खुद थे। और ये इनका शौक नहीं है गलियों से जो कूड़ा उठा रहे हैं, ना ही ये चुनाव के चक्कर में। इनकी तस्वीरें इनकी दिखा दें ना, तो चुनाव के चक्कर में कोई तस्वीरें हैं। दरअसल ये इसको फर्ज समझते हैं। और मैं बता दूं, आंसी में सफाई कर्मचारियों की इन दिनों हड़ताल चल रही है। हड़ताल के चक्कर में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, और ये खुद ये रेहड़ी लेके रिक्शा लेके लोगों के घरों से कूड़ा उठा रहे हैं। अनिल बंसल, मैं जैसे बता चुका हूँ, पार्षद हैं ये हांसी के वार्ड नंबर 9 के। इनके इसको कवर करेंगे। दरअसल ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पहले से हमें पता था कि ऐसे इनके काम रहते हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिन से हड़ताल थी, तो चेक करने के लिए कि वाकई जो है ये कंटिन्यूटी बनी हुई है या फिर कभी कभी ऐसा होता है। पीछे रह गए ये आंसी की लवाइयों वाली गली है। ये सोनी जी है, ये कूड़ा दिखाने के लिए उठा रहे हैं या उठाते रहते हैं ये कूड़ा? सोनी जी उठाते हैं जी, बिल्कुल उठाते हैं। जब जब हड़ताल होती है अनिल भाई खुद आते हैं और पूरे मोहल्ले का कूड़ा खुद अपनी रेडीमेड लेके जाते हैं। हमेशा जब भी हड़ताल होती है, मतलब मोहल्ले में कूड़ा कभी भी बिल्कुल नहीं रहने देते, कभी भी कोई सुबह शाम। जब बता दो क्या, मेरा नाम संजय जिंदल है। जब भी हमें जरूरत होती है, नाली की सफाई करवानी हो या घर के आगे कोई कुत्ता मर रहा पड़ा हो, जब भी अनिल भाई को फोन, मतलब सफाई कर्मचारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अनिल बंसल आ जाएगा पार्षद। अनिल बंसल या तो अपने कर्मचारी को भेजता है, नहीं तो स्वयं खुद कुत्ता उठा के लेके चला जाता है। अनिल भाई का काम बहुत बढ़िया है, आगे भी हमें उम्मीद है अनिल भाई ही हमारे पार्षद ही नहीं चेयरमैन। खैर ऐसे ही होने चाहिए पार्षद, जो कोई संकोच ना हो। वार्ड में आदमी रखता किस लिए, तो मतलब ये रखना ही होता है पार्षद को, तो है ना। कई चौधर के चक्कर में आते हैं भी, टोरा बनेगा चौधर रहेगी। खाली फोटो खिंचवाने का चक्कर नहीं है इनका, इनकी जानना है। ये बिल्कुल हकीकत में जमीन से जुड़े हुए हैं। चलो उसको फॉलो करते हैं एक बार कि वो कहाँ तक जाते हैं। ऐसा नहीं कि फोटो खिंचा के चले जाएं। ठीक है वर्मा जी, दरअसल एक नई परिभाषा सी रहती है कि भाई पार्षद को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और पार्षद किस किस तरह से काम कर सकता है। सिर्फ नगर परिषद में मीटिंगों में जाके नहीं, ये इस तरह के काम भी नहीं की जिम्मेदारी होती है कि ये कराएं या करें। वार्ड तो साफ रहे, देखो घरों के आगे जाके बकायदा आवाज लगा रहे हैं, कूड़ा डाल दो, लोग आते हैं कूड़ा डाल देते हैं। ये वार्ड नंबर 9 है हांसी का, हिसार जिले में हांसी है, नगर परिषद है और वार्ड नंबर 9 है। इनको कोई संकोच नहीं है। और जो ये साथ में जो एक और है, इनके साथ में आप दिख रहे हैं, ये इन्होंने अपने पेड़ रखे हुए हैं कर्मचारी, खुद दोनों, एक कर्मचारी है और एक खुद है। हाँ जी, एमसी तो आप पे बढ़िया हो गए, कूड़ा उठा रहे हैं आपका। नहीं नहीं वैसे भी बहुत बढ़िया है जी, एकदम। ये आज ही आए हैं, पहले भी बीच में आते रहते इस तरह के? आते रहते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया एमसी है जी हमारे। देखो जी, काम को सलाम होता है। अगर कोई काम करता है तो फिर उसको उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। थैंक यू। नज़दीक से दिखा दे, लोग जो हैं इनकी रेहड़ी में आके कूड़ा डालते हैं। इनको ये नहीं है कि भाई ये पार्षद हैं तो ये कूड़ा नहीं उठाएंगे। देखो कस्सी भी ले ली उन्होंने साथ में, कहीं दिखा कि नाली बंद है तो उन्होंने कस्सी उठा ली और खुद उठा के नाली भी साथ में साफ कर दिया। दरवाजे जब नगर परिषद के कर्मचारी आते हैं तो अलग अलग टीमें होती हैं, नाली उठाने वाले अलग होते हैं, सफाई वाले अलग, और फिर सफाई करके जो कूड़ा इकट्ठा कर जाएंगे उसको उठाने वाले अलग, तो ये रहते हैं। लेकिन ये सारे काम खुद इसी वार्ड में रहते हो जी आप? इसी वार्ड में रहते हो? अगर हमारा आज ही उठा रहे हैं या कूड़ा कड़ा उठा लेते हैं? ना उठा ले कूड़ा तो, हाँ कड़ा उठा रहा है, रुक के मार मार के गिरवाते हैं पानी कूड़ा। हाँ हाँ जी, रुक के मार मार के गिरवाते हैं कूड़ा। और हाँ जी, ये पानी का बेटा देख लियो, ये उठा के चलने लग रही थी, एक बार पहले भी उन्हें उठाया था लड़ंगा। और के इसको ये नहीं भी बढ़िया बेटा है तो कोई दिक्कत होगी, अपना कूड़ा उठना चाहिए वार्ड का। हाँ यह तो बात है, फिर भी देखो आजकल जमाना बहुत बड़ी बात है यार,
है ना। ये भी एक नई चीज़ दे दी, बाणियों का बेटा है और कूड़ा उठा रहा था, इस बात का भी लोग समझ रहे हैं कि भाई यो अनिल कर ले सफाई सुबह इस तरह आज करने लग रहा है। करने लग रहा सफाई कर रहा है अभी बिल्कुल हाँ सही है इसका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ठीक है। इसी वार्ड में रहता है, है? कहाँ रहता है? गंजे बाग में। ये कौन है? ऑलरेडी चलान लग रहा है। एमसी अनिल एमसी। हाँ शर्म शर्म को नहीं आ, कूड़ा उठाऊ मैं। सफाई कर रहा है, शर्म की क्या बात है? कुत्ता भी पूछ मार के बैठा है तो सफाई करना कोई बुराई थोड़ी है। सफाई करना कोई बुराई नहीं है, सही बात है। और जब एमसी चुना है तो सफाई वार्ड की होनी चाहिए, कोई करे ये करे, ये किसी से कराए, कर्मचारियों से करवाए, किसी से कराए। कोई कूड़ा डालने आए इससे पहले इनसे खुद से बात कर लेते हैं। बंसल जी वो पीछे एक महिला मिली थी हमें, वो कह रही थी कहते जी बढ़िया बेटा है फिर भी कूड़ा ठहरा है, इसका कोई आंट नहीं है। जात बिरादरी कुछ नहीं होती, सब एक है। परमात्मा ने दो हाथ दो पैर दो आंख दी है, सब एक है। और वार्डो में भी पार्षद हैं, थोड़ी सी कुछ प्रेरणा ले लें आपसे, हम तो इसलिए आए थे भी लोगों को और देख लें, क्योंकि ये हड़ताल तो पूरे शहर की है और कूड़ा बिखरा हुआ है हर तरफ। सर्वेश जी जनता के बीच जाते वोट लेने के लिए, जब झोली पछाड़ के वोट मांगते हैं, काम की टाइम आते हैं तो घर बैठ जाते हैं। ये काम हमसे नहीं देखा जाता। कहने की बात है, वार्ड नंबर 9 की जनता ने पहले मेरे को चुना, फिर उसके बाद मेरी धर्मपत्नी को निर्विरोध पार्षद चुन के भेजा। मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता, ये मेरा फर्ज है जिसको मैं निभा रहा हूँ। मैंने प्राइवेट कर्मचारी मेरा रखा हुआ है, हड़ताल है तो हम दोनों काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपकी तरफ से हड़ताल कितने दिन चले, साफ रहेगा वार्ड? देखो हड़ताल कितने दिन चले, हड़ताल को कर्मचारियों को उनकी पसीना सूखने से पहले तनख्वाह मिल जानी चाहिए। लेकिन नगर परिषद के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, सड़कों के बिल तो कट जाते हैं लेकिन कर्मचारी तनख्वाह देने की बात आते तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता। मैं कर्मचारियों के साथ हूँ लेकिन मैं सिर्फ मोहल्लों के घरों से कूड़ा ले रहा हूँ, बाजार में कूड़ा है। मैं कर्मचारियों के साथ भी हूँ, मैंने मेरा प्राइवेट कर्मचारी रखा हुआ है, हड़ताल चल रही है तो हम सफाई कर रहे हैं अपने वार्ड की। नज़दीक से भी दिखा दे जरा, कई लोग मुझे कह रहे थे कहते जी पार्षद के जो नए लोग आते हैं आपके वार्ड में समझ में नहीं आता ये पार्षद है मजदूर है ये क्या करता है, मतलब काम में लगे रहते हैं। जुड़ती हर परिवार का सदस्य अपना परिवार समझ के काम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप सभी वार्डवासी अपने मन में नहीं आता कि भाई आप तो पैसे वाले आदमी हो, क्या जरूरत है, मतलब उठाएंगे जब उठा देंगे सफाई कर्मचारी। खाए तो रोटी जाते होगी जी, पैसा खाया तो नहीं जाता, उस पैसा करना क्या है? कोरोना जैसी महामारी में करोड़पति चले गए, क्या काम है वो पैसा? ये सेवा भाव काम आएगा जो कर रहे हैं। तो जो सूट बूट वाले भी पार्षद हैं आपके हांसी में, तो उनको कोई थोड़ी सी नसीहत दे दो कि वो भी घर से बाहर निकल लिया करें। काम मेरा काम देख के वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे लेकिन फिर उसके बाद जनता नहीं चुनेगी अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो। जनता नहीं चुने, चलो कूड़ा उठा लो, आप अपना लेट हो रहे हो, कूड़ा डाल दो जी। और थोड़ा सा फॉलो करते हैं कहाँ कहाँ इनकी रेडी जाती है, ऐसा नहीं कि चौक, ये बंती देवी मंदिर है सामने, राधा कृष्ण बंती देवी मंदिर, ये वार्ड नंबर 9 में ही आता है। और ये भी वार्ड नंबर 9 का ही हिस्सा है। वक्त इस वक्त 7:49 मेरी घड़ी बता रही है कि ये वक्त है। और इस वक्त अगर घरों से कूड़ा उठ जाता है तो घर वाले भी जो हैं वो तसल्ली से हो जाते हैं, इत्मीनान उनको मिल जाता है कि हाँ चलो सफाई होगी, कूड़ा उठ गया। साहब यही रहते हो इसी वार्ड में हैं? ये पार्षद महोदय कूड़ा उठाते हैं, ये आज का ही कोई ड्रामा है या सफाई सफुई करता है ये सुनार? अरे ये पार्षद ये जा रहा अनिल बंसल एमसी, देखा इसको पहले सफाई करते हुए? ये पंडित जी हैं जी मंदिर के, तो इनसे पूछते हैं। कुत्ते देखो जी खिला रहे हैं इसको। सोनी जी नमस्ते, ये अनिल बंसल ये काट तो नहीं लेता? अभी कूड़ा उठा के जा रहे थे तो ये सफाई सफुई आज ही कुछ है हड़ताल होने के, या करते रहते हैं अगर कभी दिक्कत होती रहते जी? डेली आते हैं कर्मचारी इनके, डेली आते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं है नहीं आते होंगे। तो ये आज जैसे रुक के मार मार के कूड़ा उठा रहा है कि कूड़ा डाल दो जी, कूड़ा डाल दो जी, तो ये इसका है तरीका या आजकल का कोई ड्रामा ड्रूमा सा है? कोई ड्रामा नहीं है, डेली आता है, ऐसी आवाज लगाता है सभी को भी कूड़ा डालो। वो एक महिला मुझे कह रही थी कहती जी बाणिया छोरा देख लो जी फिर भी ठाव है कूड़ा, कोई आंट नहीं इसका। ये तो सेवा है जी इसकी, निष्भाव से। आप ये रहते हो जिस वार्ड में? अच्छा नहीं रहते, मेरा मायका है। अच्छा मायका है, इसने जाना हुई कूड़ा ठाव था ये अनिल बंसल एमसी? अच्छा नहीं जानते इनका, अच्छा अच्छा ठीक है।
तो कैसा लगता है जब हड़ताल भी होती है तो भी कूड़ा उठ जाता है? सफाई होती जी पूरे वार्ड में, बिल्कुल साफ सुथरा वार्ड है जी हमारा अनिल भाई की वजह से। हाँ जी, चुनाव भी होने थोड़े दिन बाद में, नंबर पड़ जाएगा दोबारा किसका? हम तो बैठे को बना देंगे जी। हाँ जी, वोट तो कैसे बना दो, एक दो और खड़े हो जाएंगे? नहीं, वोट इसको ही देंगे जी, अनिल भाई को। बिल्कुल, मिला के वोट की राजनीति भी अलग है, वोट किसी को दे ना दे चीजें चलेंगी, लेकिन ऐसे ऐसे होने चाहिए पार्षद कुल मिला के, इसलिए मैं दिखाने आया था। एक बार उसको फॉलो कर लें, देख ले कहाँ जा रहा है वो, मेरे साथ आप आ जाए एक बार। ऐसे ऐसे पार्षद सारे हाथी में हो जाए तो फिर है? पूरे हरियाणा में हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए जी, देश में नाम हो जाएगा हरियाणा का। हाँ, हरियाणा का नाम हो जाएगा, पूरे हरियाणा में ऐसे ऐसे पार्षद हो जाए तो देश में नाम हो जाएगा। और भाई कौन सा वार्ड है अपना? यो ही वार्ड है, डटिए एक बार डट फिर एक बार। यो ही वार्ड है के? यो अनिल बंसल कूड़ा ठावे है, यो आज का ड्रामा है, यो उठा ले कदे कदे उठा भाई। ये तो अनिल वर्ग आदमी कोनी भाई, दावा इस चीज का बस, अनिल मारा भाई है लेकिन सारे काम करे, आधी रात का गहना मारा यो सब मेरा कोनी। लोग चुनाव के टाइम भूल जाए, यो कदे इनु डरता ठंडा हो के तो चुनाव आने वाले फिर भूल जाए लोग। सारे काम आधी रात का काम आ भाई, किसी टाइम भी फोन मार लो आधी रात वाले भी इसके काम आ जाए। यो काम आवे है इसके बालक भी, यो भी सारे काम आवे। ये तो काम आवे, वार्ड वाले आदमी भी इसके काम आवे, नहीं आवे सारे आवे काम इसके भी भाई। चलो रोक रोक के पूछ रहे थे मैं, कदे कोई वाक्य कदे कोई ड्रामा ही हो रहा हो कोई। है के कब है दो छाती पीट पीट के गांव नील ने वोट दो। अच्छा, हाँ बिना छाती पीटे कह दियो वैसे दे देंगे लोग, छाती पीटने की जरूरत नहीं थेवेगे। अगला तो आधी रात ना काम है, खूब आवे खूब आवे। इफ देख लो थारे आगे बात हो रही है। नहीं नहीं, सफाई जरूरी है, वो समझा रहे हैं भाई, गाय को मत डालो, जो कुछ सब्जी थी बची हुई कूड़ा था इसमें डाल दो। मैडम जी एक मिनट रुकना, एक बार इसी वार्ड में हो क्या आप? इसी वार्ड से हो? हाँ? ये पार्षद है, ये ड्रमर रूमर कर रहा है या नहीं, उठा लेते हैं। बढ़िया है हमारा तो भैया, हमने इसी को चाहिए। अच्छा। यही हमारा पार्षद सबसे बढ़िया है। अभी आप क्या बता रहे थे स्कोर क्या क्या? सीवर जम ब्लॉक है ओके, बोले खुलवा दूंगा मैं। अच्छा, ये सीवर ब्लॉक भी खुलवा देता है? हाँ। तो जरूरत ही नहीं कहीं और जाने, नहीं कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, हमने तो यही भैया मिल रहे हैं, ये खोल देगा सीवर में। हाँ, ये अपने आप खुलवा देंगे। अच्छा देखो लाइन लगी, तस्वीरों में दिखा दें लोगों की, कूड़ा डालने वालों की। ये कुछ कह रहे थे इनको, मैडम ये कुछ कह रहे थे इनको, क्या उठा लाए? कुछ नहीं, उठा लेंगे, उठा लेते हैं रोज। अच्छा, ये कह रहे थे दरअसल ना कि भाई उधर गोबर पड़ा हुआ है वो भी उठा लें, तो मैंने सुन लिया था तो माइक पे थोड़ा सा संकोच करके, तो ये उठा लेते हैं जी गोबर, कोई कुत्ता गली में मर गया तो भी, और चीज़ें भी अच्छी बात है। जैन साहब देख रहे थे, जैन साहब एक मिनट आइयो। वैसे तो मैंने बार बार पूछ लिया सवाल, ये है तो MC आप भी जानो, तो ये ड्रामे ड्रूमे कर रहा है या कर ले? ड्रामे नहीं करता जी, यो करे पक्का काम, खोबरा जी ऐसे हमारा एरिया तो खूब खूब खुश। अब ये क्या ड्रामे करेगा, कोई लगाओ हाथ इसके, इस रिक्शा के देखते मारा लग जाए, ये तो इनकी मतामित जैसे चोरेगी। अच्छा, और वैसे जनरल बात करें, किसी क्रिटिसाइज करने की बात नहीं, अभी ऐसे ऐसे और भी पार्षद हैं, 27 पार्षद हैं, 27 वार्ड हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता लेकिन कुछ एक लोग और भी हैं वो अगर चाहें तो कर सकते हैं, तो ये ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल है, क्या नहीं आसान है करना, बड़ा मुश्किल है। शर्मा जी एक मिनट आइयो, मैं तकरीबन हांसी में लोगों को जानता हूँ, तो चलो कोई नहीं, इनको लेट हो रही है, ड्यूटी पे जाना है, बिजली निगम में काम करते हैं, हमारे मित्र हैं मनमोहन शर्मा जी, उनके बेटे हैं, पत्रकार हैं वो, उनके पुत्र थे ये, इसी गली में रहते हैं, तो तकरीबन सबसे वाकफियत रहती है क्योंकि बहुत बड़ा सिटी नहीं है हांसी, इसलिए मैं लोगों को अक्सर नाम लेके बुला लेता हूँ कि
वो वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, या जैन साहब हैं, या कोई भी हैं। तो ये देखो जी, क्लोजअप थोड़े से दिखा दें जरा। अब ये इनको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अपने आप दिख गया कि भी नाली जो है रुकी हुई थी, तो नाली भी उठा दी। और नगर परिषद की हड़ताल अगर नहीं होती तो कर्मचारी आ रहे होते, तो नाली का अलग कर्मचारी आता है, नाली का डाल के चला जाता है, उठाने वाला कोई और आता है। तो इस तरह से बढ़ती चीज़ें। अब ये दो आदमी पूरे वार्ड को साफ कर रहे हैं। जैन साहब एक बात और समझाओ मेरे को, एक बात और समझाओ, ये दो आदमी पूरे वार्ड की सफाई कर देंगे, और जब हड़ताल नहीं होती, आज तो हड़ताल चल रही है चलो, तो नाली का निकालने वाला अलग होता है, नाली का उठाने वाला अलग होता है, झाड़ू वाला अलग होता है, झाड़ू का जो कूड़ा होगा उसको उठाएगा अलग, फिर वो लिफ्टिंग करेगा, और 10 आदमी काम करते हैं मतलब जिम में। वो कमेटी का आदमी है, ये इसका पर्सनल आदमी है। नहीं, वो सही है, मतलब वो तो लाखों करोड़ों का बजट जाता है, और ये दो आदमी जब कर सकते हैं तो सरकार भी तो चाहे तो करा सकती है। सरकार चाहती तो नहीं जी, सबने चाहिए माल, बीमारी तो ये है ना सर, माल की लड़ाई है। आज मैं कहूँगा थोड़ा सा और आगे दिखाएंगे इनको कहाँ जाते हैं। इनका वार्ड कितना बड़ा है? ये काफी बड़ा है, देख लो, उमरा गेट से लेकर दिल्ली गेट तक। अच्छा, ये पूरा का पूरा पूरा सर्कल आप सदर बाजार से ही घूम जाओ। कई बार मैं इनका एक ग्रुप देख रहा था, जो पर उनका जो ग्रुप है वार्ड का, तो उसमें कई कमेंट करते हैं जी कुत्ता मर गया गली में उठा लो, तो ये आता है वहाँ उठा के। जस्ट ये अमित आ गया एक मिनट में, इसको कह दो अनिल को, दो मिनट में अमित आ जाएगा। मेरे साथ हुई नाली के अंदर, कुत्ता सो गया, शाम को मैं गया घर से, आधे घंटे बाद फोन आ गया, तो कुत्ता मरा पड़ा नाली में बत रहा है, अमित को फोन करा। ये ड्रामेड रूम में करे गए काम करा है? काम करे जी, काम नंबर वन एमसी है एकदम। ये तो बता रहा आधा घंटे माध कुत्ता बिल्ला। सर कैसे हो? है यो ड्रामा रूम में बढ़िया कर ले है। ड्रामा मेहनती छोरा है, वार्ड में अपने शहर में कौन पावे है छोरा। नंबर एक नंबर पूछ लेता हूँ सवाल इस तरह के ड्रामा, मुझे पता है हर चीज का रिस्पांस देने वाला बंदा है ये। बढ़िया है, बढ़िया। वो भी ये आप इसी वार्ड से हो गया? तो ये क्या ढंग है इसका, ये ड्रामे तमाशे करे है कि मैं है? बहुत कमाल का आदमी है जी, मतलब कमाल करे है। मेरी बिटिया की शादी में भी हेल्प करी, पानी की टंकी भी लगवा दी मेरे, और काम तो। कहाँ रहते हो आप? ये कॉर्नर वाला मकान है जी, कॉर्नर वाला मकान है जी मेरा, और हर तरह से मेरा साथ देता है ये। और वार्ड का तो काम का तो कोई अंत ही नहीं जी, मतलब खूब करवाता है। तो लोग भी साथ देते हैं? यो दे सब लोगों का, लोग भी देवे हैं, लोग क्यों नहीं, लोग क्यों नहीं देंगे साथ, जब यो साथ देगा तो लोग क्यों नहीं देंगे? हाथ को हाथ से काम है, और ये जब लोगों का काम आता है तो लोग भी आ जाते हैं। काम करें, अच्छा काम करें, रात दिन रात बुला लो, कोई काम हो जाए बेचारा भाग जावे, बहुत बढ़िया काम करें। वो एक लुगाई तो अभी पीछे सीनू भी कहेगी, नोली मारा गोबर पड़ा है, वो भैंस करके गोबर उड़ ले जाएगा, ले जाऊंगा। कोई मजाक ठट्टा कर लगा नहीं, उसको पता नहीं था साइड में खड़ी होनी। यहाँ भैंस है, गाय करके उठा लगा यो का, तो भैंस वाले ले जाते हैं, आवारा घूमती है ना, ठा लगा जी इसने भी हो, मना को नहीं करे जी। और आगे चलते हैं, लोग हो रहे हैं, लोगों से बातचीत करके देखते हैं उनका क्या कहना है, कैसे सोचते हैं। ऐसे ऐसे ये नहीं कि भाई मैं हम आप शूट कर रहे हैं तो इसकी तारीफ हो रही है या कोई, मैं तो हर किसी को जानता हूँ, तमाम पार्षदों को जानता हूँ, लेकिन काम को सलाम होना चाहिए। जाना इसने कौन है, वो सफाई कर्मचारी है अनिल एमसी, इसको पता था, मैं सोचा बच्चा है पता नहीं होगा, इसको पता है अनिल एमसी है इनका ये। रुक के मार रहा है जी, आदत हो रही है रुक के मारने की, ये नया काम नहीं है इसके लिए। और तो लोग कह रहे भी थोड़ा कूड़ा भी है, झाड़ू भी लगा दो, उनके पास झाड़ू भी है, कस्सी भी है, पिंजर भी है। इसी वार्ड में रहते हो ना? इसी वार्ड में रहते हो? क्या नाम आपका? मंदिर है? हाँ जी, मंदिर है सामने। एक आधी बार ड्रामा करता है या काम भी काम करता है? नहीं, काम करता है, काम करता है, जब भी कोई बात होती है फोन करते हैं, तुरंत ही आता है,
कोई परेशानी हो, पानी की हो, सफाई की हो, कोई की हो, सीवर की हो। आप मंदिर में क्या पुजारी? हाँ मैं पुजारी हूँ जी, मैं पुजारी हूँ यहीं, और मैं 32 साल से यहीं रहता हूँ। हाँ जी, राम राम जी। ठीक हो जी? यो आज ना ना चाय नहीं सर, ये कुत्ते मारा पाछे पड़ गई है। तो ये का दिवर करे है, ड्रामा ड्रुमा सा खेल सा, या यो कर ले मतलब सब? आज वास्तव में खूब सेवा करे मोहल्ले की, किसी का कोई काम हो जबे जबे करके दे। अनिल द्वारा फोन करो, अनिल भाई यो काम है 10 मिनट में 5 मिनट में अगला, जैसे टाइम मिला आ जाता है। हाँ जी, आप भी गाड़ी का देख लो, अगला खुद रेडी लेके आ गया, गाड़ी का रुक्का मार रहा भाई, आप कूड़ा डालो जी, कूड़ा डालो जी, कूड़ा डालो। मतलब हड़ताल उड़तुल का थारा वार्ड में कोई असर नहीं है? कोई कोई नहीं जी, माने तो बढ़िया काम हो नगर अनिल भाई का। चाय पिलाऊंगा थोड़ी थोड़ी जी। ना ना, चाय पूछने के लिए शुक्रिया। कोई नहीं, ये काफी मतलब लंबा है आपका ये मोहल्ला, पीछे चौक है क्या इसमें? अंदर अंदर तक गली है जी, सारा निकल के मार का है, सब में रुक्का मार, कूड़ा डाल दो, कूड़ा डाल दो। चलो कुल मिला के वीडियो का मकसद भी यही था कि लोग, ना 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 थैंक यू चाय के लिए, कुल मिला के मकसद ये था कि भी लोग देखें और लोग सीखें, प्रेरणा लें। इस तरह के लोग भी होते हैं, पार्षद हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई ये ठीक है और बाकी सारे ख़राब हैं। काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से काम किया करते हैं, काम करते भी हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो सीख लें थोड़ा सा कि वो पार्षद के दायित्व फ़र्ज क्या होते हैं। इस तरह के बंसल जी कहाँ का चक्कर है, ये तो पूरे तो कड़ी ख़त्म हो लिया, आगे दूसरा वार्ड चालू हो लिया। दूसरा वार्ड चालू हो जाए जी, पर ले रही बहुत है, बहुत लंबा वार्ड है। मुल्ला है पूरा वार्ड की सफाई है? वार्ड सारा होगा जी, अपना प्राइवेट कर्मचारी रखा है, दोनों भाई मिलकर कर देंगे जी साफ। कितनी देर लगे? 3 घंटे का काम है जी। वो कई एक लुगाई कह थी पीछे से, तो उन्होंने कह थी नोली भी मारा घर का गया, गोबर करके गांठ उठा ले, तो इस तरह बीच में और कानून बता दे तो उससे कोई परेशानी नहीं होती? हमारा काम है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं परेशानी, पब्लिक के लिए सब कुछ हाजिर है। एक नू भी कहती बोले जी देखो जी बाणिया छोरा फिर भी काम करे जी, बड़ी आदमी है, मतलब ये एक उन्होंने स्पेशल लाइन कही, तो ये कई बार कहता नहीं कहते है वो कोई और जानकारी में, बोला तू क्या कर रहा है? कोई फर्क कौन पड़ता जी, काम करना है, कोई लोगों को जागरूक कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आवारा पशुओं को गली मोहल्ले में हरा चारा खाद्य सामग्री ना डाले, अगर ये डालते हैं तो जान माल का नुकसान भी होता है। खाद्य सामग्री हरा चारा गौशाला में जाके गौशाला में डाले। वो उस दिन रात को भी हमने दिखाई थी हर मोहल्ले में, और गायों की पूरी मौज है। खट्टर सरकार ने एक आखिरी सवाल और आ गया, मेरा ध्यान आ गया, मौज तो कर रखी है उन्होंने, एक वायदा किया था भी गायों को पूरा सम्मान मिलेगा, देखो सम्मान मिल रहा है, सड़कों पर गौशालाएं बन गई हैं, सड़कों पर गायें घूमती हैं, वायदे तो पूरी सरकार ने कर दिए। परिषद में जो ये कार्यकाल खत्म हुआ है, इसमें पशु पकड़ने के जो फर्जी बिल भी बनाए हैं ठेकेदारों के, चेक काट इग्नोर बताओ, वो कूड़ा हो रहा है क्या डाल देंगे? अच्छा एक और है बंसल जी, वो सब हड़ताल पे बेला भी, उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही। एक और सवाल जाते जाते, वो बीजेपी वाले पटका लेके ढूंढ रहे, और एक महिला और आई है, थोड़ा कूड़ा और था जी, कहते आगे कई दिन से जो बड़े ढेर होते हैं वो भी उठवाओ। तो बीजेपी वाले पटका लेके आदमी ढूंढ रहे हैं, कोई से आदमी मिल जाए जो बैठे बैठाए जीतते हैं उनके गढ़ में पटका गाल दे, जनता का आशीर्वाद। बीजेपी का पटका गलवान की जी में है के? जो परमपिता परमात्मा है वो जो जनता कहेगी उसके साथ है, जनता के जो वार्ड के लोग कहेंगे साथ है। आप क्या कहते हो, बीजेपी का पटका लेके चुनाव लड़ना है या कहेंगे उन्हीं के साथ है? वार्ड के काम करने या शहर के काम करने, हो सकता है लंबा चुनाव भी लड़ना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ही परहेज नहीं करेंगे। नहीं, बीजेपी का पटका लेने से नुकसान के फायदा? इसका तो टाइम आने पता चलेगा। आज क्यों नहीं पता चलेगा? आज तो कोई भी इसका मतलब ही नहीं है, जो जनता कहेगी उसके लिए चुनाव लड़ेंगे। मतलब दोनों ऑप्शन है? दोनों ऑप्शन कर लिए। बीजेपी से भी लड़ सकते हो, बीजेपी का मतलब पटका आपने तो क्या लड़ना है, वही तलाश कर रही है कि लोगों को जो जीतने वाले लोग हैं उनको पना दें और उनका नाम हो जाए कि उनका आदमी जीत के आ गया। बस यही यूं लगा लो, हमने तो जो जनता कहेगी जनता के साथ चलना है, कुछ भी कह दे जनता। आजाद लड़ना आजाद लड़ेंगे, पार्टी से लड़ना सिंबल से लड़ना सिंबल से लड़ेंगे, नहीं जनता का प्यार है चल रहा है। चलो जी, प्यार है, थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी है कि भाई पटका भी ले सकते हैं, और हो सकता है कि जनता कह दे तो ये मना भी कर दें। वैसे बीजेपी ने काम करें कि नहीं करें? मेरे वार्ड में तो विधायक साहब ने बहुत काम करे, बहुत काम करे, जब भी गया सीवर लाइन डलवानी हो, पानी की लाइन डलवानी हो,
गलियां बनवानी हो मेरा खूब वहाँ मान सम्मान किया गया, मेरे वार्ड के अंदर काम भी खूब कराई। लो जी ये तय हो गया है कि इनका पटका जरूर इनके गले में आएगा, ये बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म हो गया है। हाँ जी दो एमसी थे, एमसी में गोविंदार ये जिन्हें पूरा वार्ड में मतलब सारे खुद घूम घूम के देना काम करा है, जब गोविंदा था जाइए थे, बस दो ही एमसी थे जिन्होंने। गोविंदा जी ईश्वर को प्यारे हो गए, वो बहुत उन्होंने काम किया लोगों के लिए, वो उनको याद भी करते हैं लोग। आप देखो उसका किसको मिलेगी के कौन खड़ा होगा वहाँ 10 बार, वो एक अलग इशू है, लेकिन ये प्रेरणा ले सकते हैं लोग इससे कम से कम, जो है ना हर किसी को चाहिए कि वो जब उनको नुमाइंदगी मिली है, लोगों ने चुना है, तो उनके वार्ड की सफाई हो, उनके काम हो, किसी तरीके से हो, खुद करें, करवाएं किसी से, जैसे भी हो, उनका फर्ज ये होना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आए तो लाइक भी कर दें, चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आएगा, नया वीडियो आएगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। आप इसी तरह से देखते रहिए एक बार पोस्ट। नमस्कार।